as this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कहीं पुराने गठबंधन टूट रहे तो कहीं नए नए गठबंधन बन रहे, तो वहीं यूपी में चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच सपा नेता और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से बात नहीं बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवरिया सीट से एसएन चौहान को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया एक्स पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन दिनांक 22 फरवरी से लेकर आज तक निरंतर इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करता चला आ रहा हूं। इसी क्रम में देशवासियों से हमने अपील भी की कि संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया अलायंस में सम्मिलित यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से मेरी वार्ता भी हुई एवं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी भेजी और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि उस पर निर्णय कर इन्हीं दोनों पार्टियों की ओर से तय किए गए नामों की भी घोषणा हो, किंतु आज तक घोषणा नहीं हुई। लंबी प्रतीक्षा के बाद लोकसभा कुशीनगर की जनता की मांग को देखते हुए कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान व विकास का संकल्प लेकर मैं कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूं, तथा देवरिया लोकसभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी एसएन चौहान होंगे। शेष नामों की घोषणा भी शीघ्र की जाएगी। अपने इस पोस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि अब देखना है कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित दल मुझे इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एवं अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र देते हैं। बता दें कि पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत भी हुई थी। तब माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे और इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, मगर अब लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अकेले ही अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।